पार्टी के चाणक्य, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और देश के लोग पुरुष जिन्होंने मात्र 180 दिनों मित्रों कुछ ही दिन में आप सब अपना अपना वोट देकर झारखंड की नई सरकार चुनने वाले। जब आप वोट देने जाए तब मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप नारायण दास जी को विधायक बनने के लिए तो वोट डालिए ही डालिए, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमल के फूल पर बटाया दबाया हुआ आपका एक बटन एक झारखंड को हमेशा के लिए नक्सलवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त कर देगा। मित्रों झारखंड का विकास कई सालों से नक्सलवाद के कारण थमा हुआ था, रुका हुआ। 5 साल पहले यही मैदान में शाम के समय लगभग 6 बजे हो गए मैं आया था, इससे बहुत कम लोग मैदान में थे, फिर भी मैंने अपील की थी कि भाई झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए आप भाजपा को जिताए, और झारखंड की जनता ने अपने आशीर्वाद दिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 5 साल के अंदर हमने नक्सलवाद को 20 फुट नीचे जमीन में दफन करने का काम नरेंद्र मोदी ने। मित्रों आज सत्ता की लालच में अंधे होकर हेमंत जी कांग्रेस की गोदी में बैठे। मैं हेमंत जी को पूछना चाहता हूं, जिस कांग्रेस की गोदी पर बैठकर इसके कंधे पर चढ़कर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो वो कांग्रेस पार्टी कौन है? जब झारखंड की जनता अलग झारखंड के लिए संघर्ष कर रही थी, अलग झारखंड के लिए आंदोलन कर रही थी, झारखंड के युवा रोड पर थे, पुलिस डंडे चला रही थी, टियर गैस चला रही थी, गोलियां दाग रही थी, लोग मर रहे थे, घायल हो रहे थे, उस वक्त शासन किसका था भी? किसका था याद है या नहीं? आपकी स्मृति भी बहुत अल्प हो गई है, उस वक्त यही आरजेडी और कांग्रेस का शासन था जिसने झारखंड के युवाओं पर खून बिछाया। झारखंड अलग राज्य नहीं, झारखंड अलग राज्य कब बना? झारखंड अलग राज्य तभी बना कि केंद्र में कमल फूल की सरकार हुई और अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने झारखंड की रचना करने का काम किया। मित्रों झारखंड की और आज श्री हेमंत जी उसी कांग्रेस की गोदी में बैठकर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। हेमंत जी झारखंड के शहीदों का खून जो बिखरा पड़ा है वो आपसे हिसाब मांग रहा है, आपको सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब पूछ रहा है। मित्रों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अटल जी ने झारखंड को बनाया था, मोदी जी एक 5 साल और मैंडेट दीजिए, झारखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर चलेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड के अंदर विकास के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास की सरकार चली और 5 साल के अंदर ढेर सारे काम हुए। देवघर के अंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का काम चल रहा है, दुमका गोड्डा रेलवे लाइन की शुरुआत हुई है, बासुकीनाथ श्रद्धालुओं के लिए सुविधा खड़ी हुई है और ढेर सारे काम। अकेले निशिकांत दुबे के क्षेत्र में 1000 करोड़ के विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों मैं आज एक और बात